शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ? पागलों क्या क्या? मंगल पांडे देख रहा था, कोई फांसी लगा रहा था तेरे को। मैं सपना देख रहा था, मैंने देखा कि बूढ़ा बूढ़ी और तुम लोग सब साथ में ना मुझे मारना चाहते हो यार। मिले हुए तो नहीं है लेकिन मारना जरूर चाहते हैं तेरे को। समीर, समीर, ये आधी रात को किस बात की आजादी मांग रहे हो? वो 26 जनवरी आ रही है ना, रिहर्सल कर रहा था। 26 जनवरी वो तो गई कुछ दिन पहले ही। तो 15 अगस्त तो आएगी ना? 15 अगस्त बराबर 15 अगस्त। एक बात बता, तू समीर ही है ना? नहीं, मैं अजय देवगन हूं। क्यों? अरे दादाजी, मैं समीर हूं, आपका समीर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तू जब से आया है अमेरिका से, तूने संदूक के बारे में पूछा नहीं है। संदूक? संदूक? हाँ दादाजी, वो कहाँ है संदूक, मैं तो भूल ही गया। वो है, उसे जहां होना चाहिए वहीं है वो। तू सो जा, तू सो जा। ये क्या है? अब नहीं, गद्दा है दादाजी, गद्दा है। गद्दा है? धूल निकल रही है। उसको धूप में सुखा दे, गद्दे को सुखा दो। जय श्री कृष्ण दादाजी। गुड नाइट, स्लीप टाइट। संदूक नहीं, बंदूक होती ना तो मैं उसके गोली मार देता। सो जा, सो जा। बहुत लगी, कहाँ लगी बता, बता। मैं हूं, क्या हुआ? आपने सीटी क्यों मारी? सीटी? 40 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भगवान पति पत्नी को सिर्फ गोली मार सकता है, सीटी नहीं। कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, चाइनीज बिल्ली। चाइनीज बिल्ली? चाइनीज बिल्ली? बिल्ली? अबे जाना। क्या? बिल्ली दादाजी, बिल्ली पूरा दूध पी जाएगी। मैं देख रहा हूँ बेटा, तू बड़ों का आशीर्वाद लेना भी भूल गया है। आ मेरे पैर छू। वो दादाजी, वो दादाजी, वो दादाजी क्या होता है? आ जा, आशीर्वाद ले। अरे वो दादाजी, वो क्या, वो क्या होता है? चल आशीर्वाद ले, आ जा आशीर्वाद ले, आ जा आ जा आ जा आशीर्वाद ले। खड़े रहे, ऐसे बात करेगा अपने दादा से? खड़े रहे वाले का बदतमीज। वो ईश्वर से बात कर रहा था दादाजी, पूजा कर रहा था ना। पूजा कर रहा था कि अपने दादा को डांट रहा था तू? चल आ जा, आ जा, आ जा, चल आशीर्वाद ले ले, आ जा। क्या हुआ? चाइनीज बिल्ली दादाजी। क्या कह रहा है तू? क्या? गोपाल को किसी ने गोली मार दी? भैया नहीं। ईशा, वो ऑफिस वाली चिपकू लड़की ने अपने घर वालों के बारे में बताया था उनको।
जरूर उस लड़की के फियांसे ने मारा होगा। मारी चिंता दादा पकड़ा पकड़ी रखता था। नहीं छोड़ो तेरे, तू क्या? तेरे नहीं छोड़ो। अरे तारी ता। अरे सरवाले ना मार। अरे ना मार। एकदा। भगवान, इतनी जल्दी बुला लिया उनको। ये कैसी कसौटी है जिंदगी की? लकी, तुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ना? कि तेरी जीजू नहीं रहे। आ, आ, तुझे यकीन करना पड़ेगा। लकी क्या ढूंढ रहे हो? अपनी जीजू की एक फोटो दीवार पे लगाने के लिए मेरे पास उनकी सोलो स्नैप है। बोल नहीं पा रहा है। Hands up, hands up. Maddie. Hi, hold the gun. Baby. Ooh, missed you. Isha, where's the dead body? What dead body? मैं किसी dead body को नहीं जानता। गोपाल की dead body. गोपाल मर गया? I'm really sorry यार। कहाँ है dead body, कहाँ है उसकी? तुम ही तो गोपाल की मौत की news लेकर आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए dead body कहाँ है। डेड बॉडी न्यूज मैं को टीवी चैनल मुझे क्या पता? लकी ने बोला। लकी ने बोला? ये तो मुझे देखते डर के भाग गया था। तुमने अपने चीजों को मार दिया। नहीं 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 नहीं। आप टेक बी केयरफुल। आप या ये होया हुआ ओए ए ये कह रहा है कि गोपाल है, गोपाल है, गोपाल है। मारा नहीं साला। लेकिन तुम रात के 3 बजे यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? मैं रात के 3 बजे यूनिफॉर्म में क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी पूरी फैमिली का मानसिक संतुलन हिल चुका है। तुमने तो फोन करके बुलाया था मुझे। अरे हाँ, भाभी इतनी इमोशनल हो गई थी ना। लेकिन भैया अभी तो क्यों नहीं आए? हाँ बोलो। इधर ब्लू क्रॉस स्ट्रीट पे डेड बॉडी मिली है साहब। डेड बॉडी मिली है? गोपाल की है? नहीं नहीं साहब, आपका लक इतना अच्छा नहीं है। डेड बॉडी किसी और की है। बस अब जल्दी पहुंच जाओ। ईशा इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। हाँ क्या न्यूज मिली है तुम्हें? ब्लू क्रॉस स्ट्रीट पे एक डेड बॉडी मिली है। किसी और की है यार। क्रेजी फैमिली। साइको किलर का केस लगता है साहब। डेड बॉडी की सारी उंगलियां टूटी हुई है। लगता है इसने किलर की बहुत उंगली की होगी। अरे उंगली से मुझे याद आया, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। हाँ। पोस्टमार्टम भी कराना है। सारी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। किलर को पकड़ेंगे, धोएंगे, पकड़ेंगे। इसको तो अभी नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमाल है ना। क्या हुआ? जब से समीर घर में आया है हमें कुछ काम ही नहीं करने देता। अमेरिका में रहा है ना, और वहाँ तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। हो नमस्ते दादी जी। हाँ, नमस्ते दादाजी। निराली, ये लो बेटे प्रसाद खाओ। वो दादी जी, थोड़ा अचार मिलेगा? अरे बहुत है, तुम्हारी दादी के आचार विचार ने तो मुझे अब तक बांध के रखा है, वरना मैं तो कब का शुरू हो गए। तू बैठ, मैं अचार लाती हूँ। आ जाओ बेटे, आ जाओ।
आइए दादाजी, इस तरफ। क्या बात है दादी जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्यों नहीं आएगी है? अरे उसका पोता जो आया है अमेरिका से, समीर। अच्छा दादाजी, आपने बुलाया? अरे मैंने तो कभी भी नहीं बुलाया, तुम बिना बुलाए ही आ गए हो। तुम? अरे वो दादाजी, आपका नहाने का पानी गर्म हो गया, चलिए चलिए। चलो बेटे तुम्हारे सहारे ना भी कहाँ गए, चलिए ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए बेटे तुम बैठो, मैं नहा धोकर आता हूँ। ओके, अब अंदर तौलिया है बेटे कि धोती से ही काम चलाना पड़ेगा? अंदर जाइए तो सही, सब कुछ है। कल तो तुम बहुत काम बाकी है जी। वो दादा दादी का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। वैसे आप अमेरिका में क्या करते हैं? अमेरिका में पतंग उड़ाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है पतंग बनाता हूँ, पतंग का कारखाना है मेरा। पतंग का कारखाना? स्ट्रेंज। यहाँ स्ट्रेंज है, अमेरिका में तो बहुत चलता है ये बिजनेस, फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है। बाहर चले? चलिए ना। I don't mind। आइए ना, आइए आइए। वैसे आपका किस में इंटरेस्ट है? ओह, सुना क्या पूछा उसने? आपका किस में इंटरेस्ट है? पहली मुलाकात में चुम्मा चाटी में उतराया ये कबीला। चल देखते क्या कर रहा है। मेरा मतलब है आपको कौन सी हॉबी का शौक है? म्यूजिक, अभिजीत सावंत, he's my favorite। मेरा भी। अच्छा। वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। गिटार? वो सिंगर है, गाना गाता है। अच्छा? हाँ। तो वो जो पीछे गिटार बजाता है वो कौन है? पीछे? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा खैर जाने दीजिए। वो आपकी वो जो चार बहने हैं वो बहने? अच्छा वो वो सब मेरी बहने नहीं है, हम सब पेइंग गेस्ट एक साथ रहते हैं। तभी मैं सोचूं आपके पिताजी करते क्या है। जी मेरा मतलब है उनका प्रोफेशन क्या है? उनका अहमदाबाद में बिजनेस है। अच्छा, और आप क्या करती हैं? मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, फिलहाल तो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। वैसे हम लोग आजकल एक कपल कार रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका पैसा हम बारिश में बर्बाद हुए लोगों की मदद के लिए दे देंगे। उस दिन मैं भी बहुत भीगा था यार। लेकिन आप तो अमेरिका में थे। जी हाँ, आइए ना आप, आइए। मजाक बहुत करते हैं आप। उस दिन अगर मैं भी यहाँ भीगा होता तो आप मेरी मदद करती? ऑफ कोर्स। मैं क्या कह रही थी, कल जो कपल कार रेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, इसका आइडिया दरअसल मेरा ही है। आई लव स्पीड यू नो, और कल के रेस में मैं मोंटी का साथ देने वाली हूँ। मोंटी कौन? वो रेप वाला? जी हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वही जीतेगा। वैसे मैं भी कभी हारा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना कल। हाँ। लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास। कोई हंसा? यहाँ का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, अमेरिका का तो है, यहाँ का लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास। तो मैं क्या कह रहा था कि अरे बाहर का दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो उधर। मैं आता हूँ, आप जाना नहीं। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। हाय। आप लोग यही रहते हैं यहाँ? एक्चुअली आपसे बहुत कुछ मांगने का दिल कर रहा है, लेकिन फिलहाल माफी से काम चला लेते हैं। थैंक यू, सॉरी। मैं भी। वो क्या है ना कि हम लोगों ने आपकी रिहर्सल का सत्यानाश कर दिया था, आपका तो पूरी तरह रेप भी नहीं हो पाया। वेरी सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। और आप तो सॉरी बोलने नहीं वाले है ना? नहीं बोलेगा ये, कभी नहीं बोलेगा। ऐसा ही है ये। ओह बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय डार्लिंग सर्वेंट लकी, माय लॉन्ड्री बॉय लक्ष्मण, एंड माय कुक माधव। से हाय बॉय, से हाय। हाय। सर्वेंट्स है? अच्छे कपड़े पहने हैं, तनख्वाह अच्छी देते होंगे ना इनको? वो क्या है ना कि मैं चले नीरू, रास्ते में बात करते हैं, चले। ओके। ये वास में डाल देना। कम कम कम, बैक टू वर्क बॉयज, बैक टू वर्क। साला अपने को नौकर बनाकर खुद उसको लेकर गया। कितनी दूर तक जाएगा, गाड़ी तो चलानी आती नहीं ना उसको। कल की रेस मैं ही जीतूंगा, मतलब और मेरी ट्रॉफी होगी निराली। लेकिन हम जैसे बेकारों के पास ये गाड़ी आएगी कहां से? उसका भी इंतजाम हो जाएगा।
अबे क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग गोवा, मैं एंथनी गोंसाल्विस और आप? एकता। एकता भाभी, तुमने बुलाया और हम चले आए। प्लीज कम इन। अच्छी जगह है रहने के लिए। हाँ तो बताइए भाभी, आपने मुझे कुरियर भेज के क्यों बुलाया? इस बात को कंफर्म करने के लिए कि फ्राइडे नाइट को क्या मेरे हस्बैंड गोपाल आपके साथ थे या नहीं। तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, अपने पति से पूछ लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा? यही कि वो आपके साथ थे। कमाल है भाभी, तो अब आप अपने पति पर यकीन करेंगी या मुझ जैसे अजनबी पर? ये नौकर के सामने पर्सनल बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग। ये लकी है। किसके लिए? मेरा भाई। ओ देखिए एंथनी जी, गोपाल और आप, एक्चुअली एकता जी, आपको एक बीमारी है, शक की बीमारी। अगर आपके इंटीरियर की कोई तारीफ कर दे तो वो आपका हार्डवर्क, लेकिन अगर आपके पति की कोई तारीफ करें तो शक। अगर आपको आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो बैड लक, लेकिन अगर आपका पति लेट हो जाए तो शक। हाँ, अगर आपका पति आपसे प्यार करता है तो वो आपका हक, लेकिन अगर उसने किसी से एक छोटी सी हाय हेलो भी कर दी तो शक। शक, व्हाट द फ। अब शक ने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए एकता जी। आई एम सॉरी, लेकिन आपके नस नस में ये शक का वायरस घुस गया है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि शक, व्हाट द। ओए एंथनी, तू गोपाल मेरे दोस्त। ओए मंडे ट्यूसडे, ओए वेनसडे थर्सडे, ओए फ्राइडे सैटरडे, लग जा गले। ये क्या था? हम लोग जब भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं, स्कूल के टाइम से। ओह अच्छा, कैसे आया? मत पूछ यार। अरे बोलना। अरे अब छोड़ना यार, मुझे बताने में भी शर्म आएगी। क्यों, तूने कुछ किया? अब रहने देना गोपू, घर की बात है। अरे बोलना यार। वो यार भाभी ने बुला लिया था कुरियर भेज के, लेकिन अब उनका शक दूर हो गया है। शक? हाँ, वो वेरीफाई करना चाहती थी कि उस रात हम लोग साथ में थे या नहीं। देख गोपू, गुस्सा मत करना, अब गोपू रहने देना। एक्चुअली गोपाल मैं Shut up! अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। 3 years ago तुम्हारी कंपनी मिली, तुमसे इश्क हुआ, बट ऑफ कोर्स प्यार तो होना ही था, क्योंकि हम दिल दे चुके थे सनम, लेकिन तुम्हारी दीवानगी ने इस दिल वाले को दिल जले समझा, सोचा कि मैंने मस्ती की, गुलमाल किया तुम्हारे शक के प्लेटफॉर्म पर, हमारे कच्चे धागे की जोड़ी फूल और कांटे की बन गई। हाँ एकदम, क्या जख्म दिया तुमने इस इंसान को। कैश राजू चाचा रामू की याद, चले पे सॉल्ट पर छिड़क। दोस्त दोस्त तो रहा, प्यार प्यार ना रहा। बस बस कर गोपू। I'm sorry गोपाल, मैंने तुम पे शक। Leave me alone. अरे सॉरी भाभी। भाभी सुनो, भाभी शक, what the ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या कसूर, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, गोपाल का कुछ करना। हाँ लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता, मैं कुछ कर नहीं सकता? नहीं नहीं कर सकता है, उसके हाथ ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी, बहुत पक पक कर रहा है तू। ए इसमें इसका क्या कसूर यार, गुस्सा उस पर उतारना, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो।
माँ का दूध तो मैंने पिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं साले को देखना। पहले पकड़ तो सही। अबे तू भी यार। हाँ उस दिन गोपाल ने निराली के सामने तुझे बावर्ची का, तब भी तू चुप बैठा। हाँ लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। उस दिन मैं चुप बैठा था पता है क्यों? बावर्ची हिट हुई थी पता है? उसका रीमेक कर करके कितने लोग हीरो नंबर वन हो गए, वरना मैं उसको छोड़ता नहीं कसम से बता रहा हूँ। हाँ पूरी रेस जीतने के बावजूद भी लड़की के सामने जीरो नंबर वन बन गया, लकी। लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार। तू बहुत बोल रहा है, तू बहुत बोल रहा है। अरे सुन तो। छोड़ यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के उसको लंगड़ा बनाकर दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो। नहीं। क्या एक बाप की औलाद नहीं है? अरे नहीं यार वो नहीं, ये तो 1980s की पिक्चर में होता है टांग वांग तोड़ना। मैं तो सलिया लूंगा, सर फोड़ दूंगा उसका। स्लो टॉर्चर चल जाती सच। यस 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 यस। उतर गया बोतल में। ये गोंगे ने क्या बोला? नहीं नहीं ये बोल रहा है तू जो कर रहा है सही कर रहा है एकदम। तो उसके सामने थोड़ी ना बोलते। देखना वो बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं हिम्मत रख तू। तू देखना उसके सर पे ऐसा फटका मारूंगा ना अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सर पड़ जाएगा उसका देखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है, निराली मेरी हो जाएगी। वो आ गया वो। ए, मुझे जाने की याद आ रही, मुझे सुसू आ रही है। ठीक है बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। हम है तेरे साथ चल। अरे ये क्या किया तूने? लगता है जान से मार दिया तूने। जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रोड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे। ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं। कौन है ये? ये वाला हुआ क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ ओ ओ ओ ओ ये बोल रहा है इसे भूख लगी है। ये और ना ओत उ बड़रम ए ओइंग ए ओइंग ए ओइंग। चुप माया। ओ अबे तेरी वो किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था? दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी, दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया तो पतला हो गया तू। मायो जाके एकता मैडम को बोल दो उसका एडम आया है, एंथनी गोंसाल्विस में। कम ऑन रामू काका। या आमू आ और कितने रे ये ची क्या रे तुम लोग इससे क्यों डर रहे हो? ये पहले मैं नहीं था ना। तू जा और नहीं तो क्या जा। क्या रे जा। पाव किलो के पाइथन बहुत फुंक कर रहे है माई। चले सिम कट चल निकल तेरी तो। क्या है इससे डर रहे हो तुम लोग? कमाल करते हो। ओले बापले एंथोनी को गुस्सा आ गया। और बोल ना ए सफेला डूडू पिएगा। ए क्या कर रहा है? अब अबे भड़क क्यों रहा है यार? तू एकता से मिलने आया ना? अरे निकल पड़ी तेरी। क्या सुपर हॉट माल है यार। तीखी तीखी नजर, पतली पतली कमर।
बरा सुपर हॉट फिगर कितने सांता रे सर्दी में हीटर का काम करती है। हाँ भाई ये अपनी करीना है ना करीना हाँ? ये भी उसके सामने चाय कम पानी है एकता आई एम डेफिनेटली कमिंग साहिबा ये एकता इतना बिग बॉम्ब है तेरे को कैसे मालूम हाँ? क्योंकि वो मेरी बीवी है बोल साले इस बंगले के आसपास नजर आएगा आप बोलो तो मैं अपने बंगले के आसपास भी नजर ना हो गुड किसी और की बीवी को कभी छेड़ेगा साहिबा आप आवाज करो मैं अपनी बीवी को खुद राखी बांधू साहिबा गुड तू क्या कर रहा है साहिबा गुंगा बोला साहिबा कभी किसी को बोलेगा कि तू एंथनी है एंथनी कौन एंथनी किधर का एंथनी मैं तो आत्माराम हूं साहिबा आत्माराम भगवान तेरी आत्मा को शांति